जिला मंडी में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला भगवान मोहल्ला को अन्य स्कूल में मर्ज न करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी मंडी अपूर्व देवगन से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि इस पाठशाला को किसी अन्य पाठशाला में मर्ज न किया जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 44 वर्ष से ये स्कूल चल रहा है और वर्तमान में पहली से पांचवी कक्षा तक स्कूल में 36 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर स्कूल को अन्य पाठशाला में मर्ज किया जाता है तो इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। लीना शर्मा है और मैं जो है भगवान स्कूल में जो हूँ कार्यरत हूँ मिड डे मील के पद के ऊपर। तो हम जो है 22 साल से मिड डे मील का कार्य यहीं कर रहे हैं और जो है अब हमारा स्कूल जो है ये यहाँ से उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार स्कूल जो उठ जाता है तो दोबारा वहाँ आता नहीं है स्कूल। और जो है हमारा स्कूल बढ़िया है, यहाँ कोई बच्चों की कमी नहीं है, स्ट्रेंथ काफ़ी है और स्कूलों से ज़्यादा है जो बाज़ार में है। और जो है इसमें जो पेरेंट्स है बच्चों के माता पिता जो है यहीं खाते कमाते भी हैं, गरीब घर के बच्चे भी आए हैं इधर, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ बच्चे छोड़ने में। और सैम भगवान मोहल्ले का रहने वाला हूँ, हमने आज यहाँ पे डीसी सर को जो हमारा बच्चों का स्कूल है इस संदर्भ में हमने एप्लीकेशन दी गई है कि यह स्कूल जो है ना मतलब किसी भी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का ट्रैफिक या किसी तरह की आने जाने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती और बच्चे अकेले भी स्कूल आ जा छोटे बच्चे जो हैं अकेले भी आ जा चले जाते हैं यहाँ से। और जो ये स्कूल है यहाँ पे सरकारी मतलब जिस टाइम वोटिंग भी होती है तो भी यहीं पे होती है, तो ये किसी भी तरह से इनलीगल स्कूल नहीं है या किसी और पार्टी का स्कूल ये जगह नहीं है, यह सरकारी जगह है। और हम यही चाहते हैं कि ये स्कूल यहीं रहे, क्योंकि ये स्कूल जो है हमारे मतलब हमारे पैदा होने से पहले यहाँ पे था, कम से कम इस स्कूल को ज़्यादा नहीं 40 से 45 साल यहीं पे हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल की जो जिस तरह से प्रतिष्ठा बनी हुई है वो यहीं पर बनी रहे। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।